नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। इस वीडियो के तहत आज की शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी बड़ी खबरें और बीकानेर निदेशालय की ओर से जो भी आदेश और सूचनाएं जारी हुई है उसकी महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के तहत दी जाएगी। जैसा कि साथियों आपको विदित होगा, यदि आप हमारे चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो इस चैनल पर शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी डिपार्टमेंट की महत्वपूर्ण सूचनाएँ और आदेश, इसके अलावा बीकानेर निदेशालय की ओर से जो भी आदेश और सूचनाएं जारी होती है आपको रेगुलर इस चैनल पर अपडेट दी जाती है। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो शिक्षा विभाग से जुड़े इस आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, इस चैनल पर विभागीय आदेश के अलावा आप रिजल्ट्स, आंसर कीज, दैनिक समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, ये सभी अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। आज की पहली खबर है, यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर की ओर से कार्यालय आदेश में यहाँ पर देख सकते हैं पुनरीक्षित वेतनमान 2008 एवं 2017 के ACP प्रावधान अनुसार निम्न कार्मिकों को 9, 18 और 27 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर, जी हाँ, 9 वर्ष, 18 वर्ष और 27 वर्ष की जो ACP के प्रावधानों के अनुसार उनके नाम के समक्ष अंकित अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति यानी ACP जो कि पे मैट्रिक्स लेवल अथवा ग्रेड पे द्वारा स्वीकृत की जाती है। इस कार्यालय अथवा निदेशालय द्वारा इनमें से किसी कार्मिक को आरोप पत्र जारी किया गया हो अथवा दंडित किया गया हो तो यह आदेश उन पर प्रभावी नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं ACP जो इनकी जारी हुई है पे मैट्रिक्स लेवल या ग्रेड पे के अनुसार, तो ये पूरी लिस्ट आपको वीडियो के स्क्रीन में दिखाई जा रही है। इसमें क्या क्या अपडेट आप स्वयं देख सकते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, एप्लीकेशन आईडी नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट्स, पोस्ट किस पोस्ट से हैं, वो पोस्टिंग कहाँ पर है ये भी देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट इनकी क्या रही, प्रमोशन डेट इनकी क्या रही और ACP ईयर 9, 18 और 27 वर्ष के अनुसार क्या रही, यानी 9 वर्ष से या 18 वर्ष या 27 वर्ष, पे मैट्रिक्स लेवल क्या रहा और ACP अप्रूव डेट ये देख सकते हैं कि इनकी ACP जो है कब अप्रूव्ड की गई थी उसकी दिनांक यहाँ पर। तो ये पूरी लिस्ट आपको इस समय वीडियो के स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आप देख सकते हैं आराम से। उदयपुर संभाग की है, ये देख सकते हैं पूरी लिस्ट वीडियो के स्क्रीन में। आप आज की शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी बड़ी खबरें और संबंधित बीकानेर निदेशालय की ओर से जो भी महत्वपूर्ण आदेश या सूचनाएं जारी हुई है उसकी पूरी अपडेट आपको दी जाएगी। बने रहे हैं वीडियो के अंत तक। आज की सभी बड़ी खबरें, ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं उदयपुर संभाग ACP से संबंधित जिनके 9 वर्ष, 18 वर्ष या 27 वर्ष जिनके पूर्ण हो चुके हैं उससे संबंधित उनके पे मैट्रिक्स लेवल और ग्रेड पे के अनुसार ये पूरी लिस्ट आपको वीडियो के स्क्रीन में दिखाई जा रही है। इसके अलावा साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें। इन सभी विभागीय आदेश की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये तो आज की पहली खबर, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई अगली खबर यहाँ पर देख सकते हैं जो कि बीकानेर निदेशालय की ओर से हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर की ओर से ये खबर है। इसमें क्या अपडेट दी गई है, इसमें सब्जेक्ट में यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक शिक्षक ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती 2022 हेतु रिक्त पदों के अपडेशन के क्रम में, जी हाँ, जो PTI ग्रेड थर्ड भर्ती है 2022 उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की जो है लिस्ट जारी हो चुकी है और उनकी जो काउंसलिंग होगी 8 और 9 सितंबर को और उनके कार्यग्रहण की, जैसा कि आपको पता होगा 29 सितंबर लास्ट डेट रखी गई है। तो बाड़मेर जिले के जो रिक्त पद हैं ब्लॉक वाइज स्कूलों के वो लिस्ट पूरी जारी हो चुकी है, तो इसमें आपको पूरी अपडेट दी जा रही है। बने रहे वीडियो के अंत तक, लिस्ट भी आपको आगे वीडियो के तहत बताई जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं उपरोक्त विषयांतर लेखक के श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के 72 दिनांक 2/9/2023 के द्वारा सारी शिक्षक ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती 2022 हेतु इस जिले को कुल 297 अभ्यर्थियों का आवंटन किया गया है। यह देख सकते हैं बाड़मेर जिले से कुल 297 अभ्यर्थियों को जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है, इस जिस हेतु दिनांक 8 सितंबर और 9 सितंबर को काउंसलिंग के द्वारा पदस्थापन किया जाना है। इस संबंध में शाला दर्पण पोर्टल से दिनांक 4/9/2023 यानी कल की
सूचना के अनुसार कल जो विभाग ने आदेश जारी किया उसके अनुसार शाला दर्पण पोर्टल से उसके अनुसार रिक्त पदों की सूची भिजवाई गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरे रिक्त पदों की लिस्ट आपको बताई जा रही है, यहाँ से शुरू है, देख सकते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर सारी शिक्षक ग्रेड थर्ड हेतु रिक्त पदों की सूची देख सकते हैं। ब्लॉक आडेल और नेम ऑफ स्कूल्स यानी विद्यालय का नाम और पद और रिक्त पद लास्ट वाले कॉलम में, तो ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं वीडियो की स्क्रीन में। जो पीटीआई ग्रेड थर्ड जो जिला अलॉटमेंट की लिस्ट जारी हुई है अभी दो दिन पहले, तो बाड़मेर जिले में कितने सारे पद खाली हैं, कौन कौन से स्कूल में रिक्त पद हैं, तो काउंसलिंग हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपको जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक के तहत आप ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर जो है दिशा निर्देश ऑलरेडी पहले डाले हुए हैं और ये लिस्ट भी आपको हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये बाड़मेर जिले की पूरी लिस्ट है रिक्त पदों की स्कूल वाइज, देख सकते हैं पूरी लिस्ट। आपको और भी बड़ी खबरें शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई और बीकानेर निदेशालय की ओर से जो भी महत्वपूर्ण आदेश और सूचनाएं जारी हुई है आपको आगे बताई जाएगी, बने रहे वीडियो के अंत तक। साथियों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि अन्य लोगों को भी अपडेट मिल सके। देख सकते हैं पूरी लिस्ट, ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। टोटल 22 पेज की ये लिस्ट है, इसमें आप आराम से देखें कौन कौन से ब्लॉक में कौन कौन सी स्कूल में रिक्त पद हैं। ले चलते हैं अगली खबर की ओर, शिक्षा विभाग से जुड़ी आज की अगली खबर यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आपको वीडियो की स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, ये राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की ओर से हैं, कल का आदेश जारी हुआ था और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर ये अपडेट है, नीचे लिस्ट दी हुई है उसके तहत राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा पदस्थापन राज्य हित में एत द्वारा तुरंत प्रभाव से यानी तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं, यानी आरएएस जो कार्मिक हैं उनके स्थानांतरण अथवा पदस्थापन संबंधित आदेश किनके लिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ कार्मिक यानी अधिकारी का नाम, नेम ऑफ ऑफिसर्स श्री बहुलाल जी मेहरड़ा, वर्तमान पद क्या है, नवीन पद इनका क्या रखा गया और रिक्त पद पर इनको जो है इनका स्थानांतरण या पदस्थापन इनको किया गया है। नीचे नरेश कुमार जी मालव आरएएस लिस्ट जो कि तत्काल प्रभाव से इनको स्थानांतरण अथवा पदस्थापन किया गया है, देख सकते हैं पूरी लिस्ट आरएएस ट्रांसफर से संबंधित, देख सकते हैं इसमें इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हुए हैं तो वो भी आप एक बार देख लें। इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अगस्त 2023 के द्वारा सुश्री अंजना सहरावत जी आरएएस के उपखंड अधिकारी छिपा बड़ोद 12 से उपखंड अधिकारी कुशलगढ़ बांसवाड़ा एवं श्रीमती बीनू देवल जी आरएएस के भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास बाड़मेर से उपखंड अधिकारी बांसवाड़ा के पद पर किया गया स्थानांतरण अथवा पदस्थापन एतद द्वारा तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है, यानी जिनका जो पहले किया गया था 16 अगस्त 2023 की सूचना के अनुसार तो वो वापस से कैंसिल किया गया है। और इसके अलावा श्री विष्णु कुमार जी गोयल प्रथम आरएएस को आगामी आदेश तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया, तो इनको वेटिंग में रखा गया है, इनका जो पदस्थापन आदेश है वो ये अपनी उपस्थिति कार्मिक कै फोर विभाग में देंगे। और इसके अलावा और निर्देश यहाँ पर उपरोक्त सभी अधिकारी गणों को उनके वर्तमान पद से कार्यमुक्त करते हुए यानी जो इनका प्रेजेंट पहले पद था उससे इनको रिलीव करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि बिना कार्य ग्रहण काल अथवा अवकाश का उपयोग किए तुरंत प्रभाव से अपने नवीन पद का कार्य भार ग्रहण कर अपनी कार्य ग्रहण रिपोर्ट जो कि ये ईमेल आईडी है itcell.dop@rastan.go.in पर भेजेंगे, ये देख सकते हैं इनको हेतु सूचना जो है भेजने हेतु। तो साथियों ये थी आज की शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबरें, आशा करते हैं साथियों वीडियो पसंद आया होगा, साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथियों इस चैनल पर आप रेगुलर आपको जो है शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबरें और बीकानेर निदेशालय की ओर से जो भी महत्वपूर्ण आदेश और सूचनाएं हैं वो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। इसके अलावा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।